बिजली के तारों की चपेट में आने से दो छात्रों की मौत हो गई। दोनों छात्र बेरी के पेड़ पर बेर तोड़ने के लिए चढ़े थे, लेकिन पेड़ समीप गुजर रही बिजली की तारों की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया। नुहू सीएससी में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं पुलिस मामले की आगामी कार्रवाई में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार रोजकामेव थाना क्षेत्र के अंतर्गत रूपाहेड़ी गांव के रहने वाले रॉबिन पुत्र फारूक और रोहित पुत्र प्रकाश गुरुवार को खेत में पढ़ाई करने के लिए गए थे। दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले दोनों छात्र बोर्ड की चल रही परीक्षाओं को लेकर तैयारी कर रहे थे। इस दौरान खेत समीप लगे बेरी के पेड़ पर बेर तोड़ने दोनों चढ़ गए। पेड़ समीप गुजर रही बिजली तारों में दोनों छात्र बेर तोड़ते समय टच हो गए और दोनों की मौके पर मौत हो गई। देर शाम तक घर नहीं पहुंचे दोनों छात्रों के परिजनों को चिंता सताने लगी। परिजनों ने इधर उधर संपर्क किया, लेकिन दोनों का कोई अता पता ही नहीं लग पाया। शुक्रवार सुबह जब ग्रामीण खेतों की ओर गए तो दोनों छात्रों को मृत अवस्था में पाया। रॉबिन और रोहित की मौत की खबर जैसे ही गांव में फैली तो सनसनी फैल गई। लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। अपने बच्चों को मृत देखकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। छात्रों की मौत की खबर रोजकामेव थाना पुलिस को दी गई। पुलिस सूचना पाते ही मौके पर पहुंची और सबों को कब्जे में ले लिया। वहीं परिजनों का आरोप है कि बिजली निगम की लापरवाही के चलते उनके बच्चों की मौत हो गई है। खेतों से गुजर रही बिजली के तारें नीचे झुकी हुई हैं, जिसकी ओर निगम प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। इस बारे में ग्रामीणों द्वारा निगम को शिकायत भी दी गई, लेकिन अनदेखी व लापरवाही के कारण कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहीं जांच अधिकारी ईएसआई चंद्रपाल ने कहा कि पुलिस मामले की आगामी कार्रवाई में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मेवात से लियाकत अली, पत्रकार की रिपोर्ट। अनसमझ भी नहीं थे, जवान बच्चे थे, करीब 16-17 साल की इनकी एज है और मैट्रिक में पढ़ते हैं। तो इनके पास बुक थी, बुक लेकर ये खेतों पर निकल गए। शाम के टाइम पढ़ाई के लिए एग्जाम चल रहे हैं, तो लगभग 4-5 बजे से ये गायब है, जैसे घर वालों ने बताया है। एक तो भानजाई है, एक गांव से हरिजन का लड़का है। उसके बाद में इनकी तलाश शुरू कर दी गांव वालों ने और उसके फैमिली वालों ने। तो सोच रहे थे एक समझदार बच्चे हैं, शायद यहीं पे होंगे, कहीं यार दोस्तों के पास चले गए होंगे। तो रात भर इनको ढूंढा भी था, फिर पुलिस को भी फ़ोन किया था रोजकामेव थाने में। उसके बाद में सुबह करीब 8 बजे फ़ोन आया था, कोई लेडीज़ वहाँ पे आई हुई थी मेहरोला गांव से, उनके खेत वगैरह वहाँ पे पानी चल रहा था। तो उन्होंने बताया, वो लेडीज़ अभी भी हॉस्पिटल में है, इनको देखकर वो बेहोश हो गई। जो मेन दिक्कत है वो ये है कि बेड़ी का जो पेड़ है वो बिल्कुल लाइन के टच में है, लाइन इतनी नीची है वहाँ पे खेतों में, आप चल के देखेंगे ना, वहीं पे नहीं, जितनी भी वो बोर की लाइन जा रही है वो बहुत नीची है, आप उसको हाथ से पकड़ लोगे। तो बच्चे जी अब बेर लग रहे थे तो खाने के लिए चढ़ गए, बेवड़ी पे चढ़े हैं या फिर नीचे से हाथ लग गया इस तरीके से। एक बच्चा तो नीचे गिरा हुआ मिला था, जो दूसरा लड़का था वो बेड़ी में टका हुआ मिला है, रोहित नाम का, और पूरा शरीर इनका मतलब बर्न हो गया है, जल गया है लाइट से। लाइट कई बार कंप्लेंट भी किए उसके बारे में बिजली विभाग में जाके, लेकिन बिजली वाले सुनते ही नहीं है। अगर सुनते हैं तो पैसे मांगते हैं पहले सब चीज़ के, लेकिन दिक्कत ये है, एक तो मेवात एरिया ये सबसे पिछड़ा हुआ एरिया, इसकी सुनवाई होती भी नहीं है पहले से। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो बिजली की लाइन है, उस लाइन को वहाँ से हटवाया जाए या फिर उसको सही तरीके से फिर से उसकी मरम्मत करा के उसको ऊंचा किया जाए, वरना अब तो ये बच्चे वहाँ पे एक्सपायर हुए हैं। अभी लेडीज़ आती हैं और भी बच्चे आते हैं, तो खतरा ही है। आप एक बार वहाँ मौके पर चल के देखेंगे ना तो आप भी देखेंगे कि हाँ बहुत डेंजर एरिया वो। ठीक, सुबह 8 बजे की बात है, कंट्रोल रूम नू से सूचना प्राप्त हुई कि गांव रूपाहेड़ी व मेहरोला के जंगल में एक बेरी के पेड़ पर एक नाश नीचे पड़ी हुई है, एक वह बेरी के पेड़ में अटकी हुई। जिस सूचना पर हम वहाँ पहुँचे, वहाँ पर जाकर देखा डेड बॉडी के नीचे तारे तार कर नीचे यहाँ ले आए अपने सीएचसी नू में, जिनके 174 सीआरपीसी कार्रवाई अमल में लाई गई। जिनका नाम, एक का नाम तो है रोहित पुत्र प्रकाश, जाति हरिजन, निवासी रूपाहेड़ी। दूसरा है अपना
प्रोफेसर फारूक निवासी तहरवा जलालपुर, जो अपने नाना के पास यहाँ गांव रूपा एडी में रहता है। ये दोनों की उम्र करीब 16 साल है और ये 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं। उनके खिलाफ क्या है? बिजली विभाग के, बिजली विभाग के खिलाफ तो ये कार्रवाई कराई गई उसमें। इन्हें दरखास्तें दे भी रखी है उसके खिलाफ। तो अभी क्या कार्रवाई जा रही है? अब तो 174 पीसी कार्रवाई करा के इनका पोस्टमार्टम कराओ। जी, दो बच्चे थे, एक का नाम रोबिन, एक का नाम रोहित। कल शाम से निकले थे 4 बजे करीब, तो कल शाम से इनको ढूंढ रहे थे। हम सोच रहे थे कहीं रिश्तेदारी में निकल गए होंगे, तो फिर कल शाम से इनकी पता नहीं लगी। अब सुबह फिर एक बैरवानी आई थी महरल गांव से, उसने देखा एक बेरोजिन लटका हुआ और एक नीचे पड़ा हुआ था। तो फिर हम गए वहाँ पे और लाइन बेरोजिन की टच थी बिल्कुल बीच में।